हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज की मेरी वीडियो जो है वो एक टोनर के ऊपर है। मैं इस वीडियो में आपके साथ एक टोनर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो कि है काया का एक्ने फ्री प्यूरिफाइंग टोनर है ये। इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी और थोड़ा सा इसको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी अपने फेस के ऊपर और बताऊंगी कि ये कैसा है। काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे इसको यूज़ करते हुए, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा इसको पास से देख लीजिए इसके ऊपर क्या क्या उन्होंने मैंशन किया हुआ है, उसके बाद देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह काया का टोनर, ये ऐसी पैकेजिंग में आता है, ये स्प्रे टाइप बॉटल बनी हुई है इसकी। ये एक्ने फ्री प्यूरिफाइंग टोनर है और इसमें उन्होंने मैडेलिक एसिड डाला हुआ है, जो कि ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। और साथ में यहाँ पर उन्होंने इसके बारे में कुछ डिटेल दी हुई है कि इसमें उन्होंने क्या क्या डाला हुआ है। इसमें मैडेलिक एसिड है, जो कि आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है। कुकुम्बर के बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट डाले हुए हैं, आपकी स्किन में जो पोर्स होती हैं उनको टाइट करने में हेल्प करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है और एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करता है। साथ में उन्होंने यहाँ पर डायरेक्शन इसको बताई हुई है यूज़ कैसे करना है। आप इसको कॉटन पैड पे लगाकर भी अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सीधा अपनी नेक और फेस पर स्प्रे भी डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ है। और इसको उन्होंने कहा है कि वॉश नहीं करना है, जैसे कि टोनर को आपको पता ही है वॉश नहीं करना होता है। और ये आपके अगर इससे रिजल्ट बेस्ट चाहते हैं तो उन्होंने लिखा हुआ है काया का प्यूरिफाइंग क्लींजर यूज़ कीजिए और प्यूरिफाइंग जो नरिशर है इसका वो यूज़ कीजिए। तो साथ में इंग्रेडिएंट्स बताए हुए हैं, काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, देख सकते हैं आप। इंग्रेडिएंट्स के बारे में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी है 100 ml इसकी क्वांटिटी यहाँ पर दी हुई है उन्होंने, और 320 इसका प्राइस बताया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो बताई हुई है, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहे कि इसकी एक्सपायरी डेट कहाँ है। तो जस्ट इतना ही इसके ऊपर उन्होंने किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा खोल के दिखा देती हूँ ऐसा ही। और इसमें जो स्प्रे निकलती है बिल्कुल आपके पूरे फेस पे एकदम से स्प्रे हो जाती है, जैसे कि देख सकते हैं आप। इसको जैसे ही स्प्रे करते हैं तो पूरे फेस पे एकदम से स्प्रे हो जाती है और इजीली इसको आप सीधा भी अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं और आपकी स्किन को एकदम से मॉइस्चराइज कर देता है, ये इसकी बात बहुत अच्छी है। करें तो जैसे कि मेरी स्किन पे एक्ने की प्रॉब्लम है, और जैसे ही हम फेस को ना जो एक्ने प्रोन स्किन होती है क्लींजिंग करते हैं, वॉश करते हैं, तो थोड़ी सी स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसमें ये अच्छा है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है। और मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी आपके एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को एकदम से क्लीन कर देगा, दूर कर देगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको बढ़ाएगा भी नहीं, आपकी स्किन के लिए अच्छा है। ऑयली स्किन के लिए जैसे हमने कुछ परचेज करना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा ये वाला डर लगा रहता है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा खराब ना हो जाए, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ ना जाए और ऑयल सा फेस पे ना रहे, तो उसके लिए ये बिल्कुल बेस्ट है। ये टोनर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और दूसरा, ये इसकी स्मेल भी इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि आपको इरिटेट करे, अच्छी स्मेल है, माइल्ड सी स्मेल है। तो मुझे बस ये वाला टोनर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। आप इसको, अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन होगा उसे भी दबा देना ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।